हेलो फ्रेंड्स, सभी को ऋतु का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्जोरा के बारे में। एक्जोरा से हम सभी परिचित हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और ये कई कलर्स में आता है। जब मौसम काफ़ी खुशनुमा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, उस समय इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं। ठंड में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। काफ़ी समय से मेरे एक्जोरा में प्रॉब्लम चल रही थी, अभी ये पूरी तरीके से ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मैंने किया, कुछ इसकी मिट्टी बदली, तो जहाँ बारिश में लगातार दूसरे पौधे जो हैं वो फ्लावरिंग करना एक तरीके से रुक गए हैं, एक्जोरा में काफ़ी फ्लावर्स आ रहे हैं। जब मैंने मिट्टी बदली इसकी जून एंड में, तब इसमें इसकी मिट्टी को मैंने और अच्छे से वेल ड्रेन बनाया। इसमें मैंने ऐड किया राइस हस्क और थोड़ा सा वर्मी कॉम्पोस्ट। अभी देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे शूट्स भी हैं जो अननेसेसरी एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग कुछ नहीं हो रही है, इनमें कोई नए शूट्स नहीं है, तो ये कहलाते हैं ब्लाइंड शूट्स। इन सभी ब्लाइंड शूट्स को हमें हटा देना चाहिए, ताकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली ऊपर फ्लावरिंग में जाए या न्यू बर्ड्स के फॉर्मेशन में जाए। अब मैं बात करती हूँ खाद की, कि मैं क्या देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि गोबर की खाद गर्म होती है, कोई कहता है सरसों की खली गर्म होती है, हर मौसम में हम नहीं दे सकते। तो मैंने एक मिक्स तैयार किया, वो मिक्स ऐसा है कि उसको आप हर मौसम में हर पौधे में आप दे सकते हैं। इसमें मैंने लिया 2 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, 1 हिस्सा नीम की खली और 1 हिस्सा बोन मील। बोन मील फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ये 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर आपको दोनों तरफ, जड़ों में दोनों तरफ कम से कम 50-50 ग्राम के लगभग दीजिए और बस उसे पानी देकर फुल सन में रख दीजिए। वर्मी कॉम्पोस्ट एक बहुत अच्छी खाद है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है ये। बोन मील फॉस्फोरस और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है और नीम की खली एंटी फंगल भी होती है और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सरसों की खली से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नीम की खली में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।